यूक्रेन बॉर्डर पर पुतिन, ये बड़ी खबर है। यूक्रेन के विध्वंसक हमले से पहले रूस की बड़ी तैयारी, विजुअल्स के साथ। यूक्रेन के खेरसोन में नीपर ग्रुप के हेडक्वार्टर पहुंचे पुतिन। हेडक्वार्टर में पुतिन ने युद्ध की तैयारियों का लिया जायजा। पुतिन ने सेना से जंग की रणनीति पर की चर्चा। एयरबॉर्न फोर्सेस के कमांडर से की मुलाकात। तस्वीरें देखिए अब आप। इस वक्त की बड़ी खबर। इसी के साथ मैं आपको एक और खबर दिखा रहा हूं राहुल। सीधे आइए, ये देखिए, ये थ्री विंडो विजुअल दिखाइए जरा। पहले, सबसे पहले ये जो मैं आपको तीन तस्वीरें दिखा रहा हूं, इसको देखिए जरा। तीन तस्वीरें, यूक्रेन के खेरसोन में पुतिन, मिलिट्री हेडक्वार्टर का जायजा लिया, सीनियर अधिकारियों के साथ बैठक की पुतिन ने। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधे मैं आपको दिखा रहा हूं। जंग के 14वें महीने में पुतिन का दूसरा यूक्रेन दौरा, दिखाइए जरा। रूसी कब्जे वाले लुहांस्क क्षेत्र में पहुंचे पुतिन, ये देखिए बाप। एलपीआर में लुहांस्क पीपल रिपब्लिक में पुतिन ने अपने सैनिकों की स्थिति का लिया जायजा। खेरसोन दौरे के बाद लुहांस्क पहुंचे पुतिन। सीधे मैं चलूंगा मनीष, पुतिन का ये दौरा लुहांस्क और खेरसोन में, इसका मतलब क्या है? देखिए निशांत, अगर मैं लाइटर नोट पे शुरुआत करूं तो पता नहीं पुतिन वही रूट को क्यों फॉलो कर रहे हैं जो रूट मैंने फॉलो किया था। मैं सबसे पहले मरियोपोल गया था, उसके बाद मैं खेरसोन गया था और उसके बाद मैं लुहांस्क गया था। और पुतिन का भी रूट देखे तो पुतिन पहले मरियोपोल गए थे और अब वो खेरसोन गए और लुहांस्क गए। खेरसोन का जाना सबसे अहम इस बारे में है कि खेरसोन को लेकर अब तक यूक्रेन या पश्चिमी देशों के जो दावे थे कि मनीष, ऑन अ वेरी वेरी लाइटर नोट, उस सब के बाद आप अपने गांव भी गए थे। हाँ बिल्कुल सही, और मुझे नहीं लगता है कि पुतिन मेरे गांव आएंगे। हाँ ये अलग बात है कि पुतिन अपने गांव जाए, और मुझे लगता है कि पुतिन को जल्द से जल्द अब डोनेट्स्क भी जाना चाहिए, क्योंकि जिन चार टेरिटरी की हम बात कर रहे हैं उसमें डोनेट्स्क वालों को इंतजार होगा कि पुतिन कब वहां पर आएंगे, और वहां उन्हें जाना भी चाहिए। लेकिन निश्चित तौर पर देखिए पुतिन का ये विजिट वाकई इंपॉर्टेंट है दुनिया को ये बताने के लिए कि देखिए ये जो चार नई टेरिटरी थी उस पर हमारा कमांड है, कंट्रोल है, और इसीलिए रूस के राष्ट्रपति अपने नए टेरिटरी में जा रहे हैं। खेरसोन को लेकर इसलिए क्योंकि 30 अप्रैल से कहा जा रहा है कि यूक्रेन जो अपना हल्ला बोल शुरू करेगा उसका टारगेट ज़ापोरिज़्या होगा और जिसका कमांड एंड कंट्रोल वैसी खेरसोन के नीपर हेडक्वार्टर से। अंडरस्टूड मनीष, बी विद मी। यहां पर सीधे आइए राहुल बिग बॉल पर, और आज मैं सभी गेस्ट से रिक्वेस्ट करूंगा सर थोड़े से रिएक्शन शार्प रखिएगा, ये एक छोटा सा मेरा रिक्वेस्ट है। सीधे आइए यहां पर बड़ी खबर, ये देखिए 18 अप्रैल 2023 खेरसोन और लुहांस का दौरा पुतिन का। राहुल नीचे ब्रेकिंग और शॉर्ट जरूर चलाएंगे। पुतिन कब कब बॉर्डर का दौरा करते हैं ये देखिए अब आप। 18 मार्च 2023 मरियोपोल का दौरा उन्होंने किया। नेक्स्ट दिखाइए, 18 मार्च 2023 क्रीमिया वो गए, और सबसे बड़ा इत्तेफाक क्या है, 5 दिसंबर 2023 क्रीमिया ब्रिज का उन्होंने दौरा किया, और मनीष झा उससे पहले क्रीमिया ब्रिज होकर आए थे, उसके बाद अटैक हुआ, फिर पुतिन गए। ये लाइटर नोट नहीं है, ये फैक्ट है, ये आपको बताना चाहूंगा। सीधे आइए सबके बीच में, की ग्राफिक्स पर आइए राहुल यहां पर, और मैं चाहूंगा उसके बगल में ब्रेकिंग और शॉर्ट चलाइएगा। जो की ग्राफिक्स है इनको देखिए अब आप, क्यों अभी पुतिन पहुंचे लुहांस्क और खेरसोन, प्ले ऑन करिए, वेरी वेल डन। इसी के साथ दिखाना है हमें ये ये बड़ा सवाल है। दूसरा, क्या लुहांस्क और खेरसोन से रूस बड़ा हमला करेगा? क्या लुहांस्क और खेरसोन पर रूस का पूरा कब्जा हो चुका है? पुतिन ने ये मैसेज भी दे दिया है। क्या पुतिन का लुहांस्क और खेरसोन दौरा पश्चिमी देशों को वार्निंग है? इसके शॉर्ट्स के साथ राहुल, सिर्फ शॉर्ट्स के साथ सीधे मैं जाऊंगा एम्बेसडर दीपक बोरा सर के साथ,
राहुल पीछे अगर हो पाए तो वॉल दिखाइएगा। दीपक सर, ये जो दौरा है इसका मैसेजिंग क्या है, व्हाट इज द इंटेंट? आभारी हूँ सर, ऑलवेज अ प्लेजर टू बी विद यू, टू लिसन टू योर कॉलीग्स, आपसे बहुत कुछ सीखता हूँ, और साथ में दो हमारे मिलिट्री ऑफिसर हैं, दे आर आउटस्टैंडिंग। मैसेज बहुत सिंपल है, मैं अपनी टेरिटरी में जा रहा हूँ, आप चाहे जाके छोड़ दीजिएगा, मैं किसी दूसरे देश में नहीं जा रहा, अपने ही देश में जा, फिनिश, गेम ओवर, सिंपल मैसेज। अंडरस्टूड, पॉइंट टेकन सर। लेकिन एक और चीज मुझे बताइए, क्या आपको ऐसा लगता है दिस इज अ वार्निंग ऑल्सो? टू होम? टू द वेस्टर्न कंट्रीज? ओह, नो क्वेश्चन अबाउट इट, ये अब मेरे टेरिटरी है, मैंने इसको रख लिया है, और अगर आप पंगा लोगे तो मैं आप लोगों को बुरी तरह से ठोकूंगा। सर, इफ गिव मी 30 सेकंड्स, अभी बता देता हूँ क्या हो रहा है वहां पे। आपको मालूम है कि पोलैंड ने, हंगरी ने, स्लोवाकिया ने ग्रेन एक्सपोर्ट्स बैन कर दिए यूक्रेन की। बड़ी सीधी इकोनॉमिक कैलकुलेशन है, ये ग्रेन जाते थे अफ्रीका को, लैटिन अमेरिका को, अब सारे फंसे हुए हैं पोलैंड में, सारे फंसे हैं स्लोवाकिया में, हंगरी में, बल्गेरिया भी कर रहा है। क्या हो रहा है, ग्रेन वहां पड़ा हुआ है, वो 10 रुपए टन का बेचेंगे, जबकि यूरोपियन प्राइस 100 यूरो पर टन है। वो कहते हैं कि यूरोपियन प्राइस इज अ वेरी हाई, हाई कॉस्ट इकोनॉमी, वहां के फार्मर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंस है सर यूक्रेन वॉर का, यूरोप में अब फूट और पड़ेगी जब पेट पे लात पड़ती है। यू आर एब्सोल्युटली राइट सर, एंड यू आर नॉट जस्ट अ डिप्लोमैट बट अ टीवी पर्सन। मैंने आपसे शार्प रिएक्शन कहा था, आपने रैपिड फायर रिएक्शन दे दिया।